आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम आर्बिट्रल अवार्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। अक्सर आर्बिट्रल अवार्ड से लॉन्ग क्वेश्चन भी फ्रेम होते रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस वीडियो में हम आर्बिट्रल अवार्ड को डिटेल में समझने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आर्बिट्रल अवार्ड आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आर्बिट्रल अवार्ड, अपने अब तक के वीडियोस में हमने एडीआर क्या है उसे डिटेल में समझा है। हमने ये जाना कि एडीआर में बेसिकली पांच मोड्स हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत और मेडिएशन। दीज आर फाइव मोड्स ऑफ एडीआर। आर्बिट्रेशन को हमने जाना, और जब हमने आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ा तो हमने ये जाना कि जो पार्टीज़ हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज इंसर्ट करके या एक सेपरेट अग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड कर सकती हैं राइटिंग में कि वो अपने डिस्प्यूट को इस पर्टिकुलर मोड ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगी। अब जो आर्बिट्रेटर है वो एक सिंगल पर्सन हो सकता है या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, जिन्हें हम जॉइंटली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो भी डिसीजन देंगे वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो ये आर्बिट्रेटर्स या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स जिन्हें हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कह रहे हैं, ये जो भी डिसीजन देते हैं उस डिसीजन को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में आर्बिट्रल अवार्ड कहा गया है। तो आर्बिट्रल अवार्ड, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर्स विच हैज बाइंडिंग फोर्स ऑन द पार्टीज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। यही क्या है? आर्बिट्रल अवार्ड। तो आई होप कि आर्बिट्रल अवार्ड का जो बैकग्राउंड मीनिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अब देखो सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज सी ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में क्या कहता है। तो सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज सी ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में आर्बिट्रल अवार्ड को शॉर्ट में डिफाइन किया गया है, या आप कह सकते हो कि हम जब इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि आर्बिट्रल अवार्ड है क्या। लेकिन एक बात क्लियर होती है कि आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरिम अवार्ड भी आएगा, क्योंकि सेक्शन टू सब सेक्शन वन एंड क्लॉज सी कहता है आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड
नाउ व्हाट इज आर्बिट्रल अवार्ड, आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स जिसे आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहोगे। क्या हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स नोन एज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अब ये जो डिसीजन है ये इंटरिम भी हो सकता है एज वेल एज फाइनल भी हो सकता है। इंटरिम एज वेल एज फाइनल हैविंग बाइंडिंग फोर्स ऑन पार्टीज, क्या है आर्बिट्रल अवार्ड। क्लियर, चलिए और डिटेल में चलते हैं। नाउ व्हाट इज, अब देखो दो टर्म है, एक है इंटरिम और एक है फाइनल। फाइनल अवार्ड बेसिकली हम कह सकते हैं एक ऐसा अवार्ड यानी डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैविंग बाइंडिंग फोर्स अपॉन द पार्टीज लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। तो उस अवार्ड को हम कहेंगे फाइनल अवार्ड। आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स का डिसीजन जो पार्टीज के ऊपर हमेशा बाइंडिंग होगा वो अवार्ड अपने आप में कंप्लीट है और वो कहलाएगा फाइनल अवार्ड, राइट। इंटरिम अवार्ड बेसिकली वो अवार्ड होता है या इट इज द डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच इज एप्लीकेबल ऑन द पार्टीज फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए एप्लीकेबल होता है पार्टीज के ऊपर एक ऐसा अवार्ड जो अपने आप में फाइनल नहीं है, वही है इंटरिम अवार्ड, ठीक है। तो आई होप इंटरिम अवार्ड क्या है, फाइनल अवार्ड क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है आपका आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 21C में केवल यही कहा गया है कि इट इज एन अवार्ड विच इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड, और कहीं भी हमें इस एक्ट में आर्बिट्रल अवार्ड का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मिलता है। सेक्शन 31 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये जो ईयर है एक्ट का 1996, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जब आप बार बार सुनो तो ये आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सेक्शन 31 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बेसिकली फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करता है, फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो चलिए अब हम सेक्शन 31 से डील करेंगे। Forms and contents of arbitral award
under section 31 of Arbitration and Conciliation Act 1996. Section 31, forms and contents of arbitral award. देखो, पहला पॉइंट अंडर सेक्शन 31 रिगार्डिंग फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, पहला कहता है इट शैल बी इन राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो पहला पॉइंट ये है कि हमेशा आर्बिट्रल अवार्ड राइटिंग में होगा, यानी आर्बिट्रेटर्स या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो भी डिसीजन देंगे वो राइटिंग में देंगे। तो पहला पॉइंट शैल बी इन राइटिंग, इट शैल बी इन राइटिंग एंड शैल बी साइंड by arbitral tribunal, right? दूसरा क्या है, in arbitration proceedings with more than one arbitrator signature of majority of all members of arbitral tribunal shall be sufficient as long as reasons for any omitted signature is stated। क्या कह रहे कि in case of more than one arbitrator, एक से ज्यादा arbitrator है, यानी there is panel of arbitrators, और हमने अभी जाना कि आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी इन राइटिंग एंड इट शैल बी साइंड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो यहां पे सेकंड पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रल अवार्ड पे साइन नहीं किया या साइन करना भूल गया या किसी रीजन से वहां पर साइन नहीं हो पाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स का अगर साइन हुआ है तो अपने आप में वो क्या है, सफिशियंट है, राइट? अब ऐसा नहीं है कि एक दो आर्बिट्रेटर्स का साइन छूट गया तो आर्बिट्रल अवार्ड इनवैलिड हो गया। यहां पे मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स का सिग्नेचर मायने रखता है। तो सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स, सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स ऑन आर्बिट्रल अवार्ड it's sufficient and arbitral award shall not be considered as invalid on the ground that या ऑन दिस ग्राउंड दैट सिग्नेचर ऑफ फ्यू आर्बिट्रेटर्स
omitted या left, right. तीसरा point क्या कहता है? It shall state the reasons upon which it is based. तो arbitral award हमेशा reasons को record करेगा, यानी arbitral award देते समय हम उसे writing में करेंगे, it shall be in writing. लेकिन किन reasons के वजह से आपने इस particular arbitral award को दिया है to the parties, हमेशा आपको reasons record करना होगा. Unless, अब यहाँ पे दो conditions हैं, यानी इन दो conditions में reasons record करना necessary नहीं है. पहला, parties have agreed that no reasons are to be given. Parties ने पहले ही आपस में ये agreement कर लिया था कि reasons record नहीं कराया जाएगा arbitrators के द्वारा, कि किन basis पर उन्होंने ये arbitral award दिया है. तो if parties have agreed that no reasons are required to be given in writing in that situation, पहला. और दूसरा, award is arbitral award on agreed terms under section 30 of this act. इस act के तहत जो section 30 है उसके तहत अगर parties के बीच settlement हो गया है, parties ने खुद ही अपने dispute को settle कर लिया है आपसी समझ से, तो उस केस में भी reasons are not required to be given in writing. ठीक है, तो ये दो conditions है. It shall record, it shall record the reasons it shall record the reasons upon which it is based unless, पहला क्या है, parties agreed not to record reasons और दूसरा, award is arbitral award, award is arbitral award, award is arbitral award on agreed terms under section 30. तो section 30 basically सेटलमेंट प्रोविजंस के बारे में बात करता है, कि अगर दो पार्टीज आपसी समझ से अपने डिस्प्यूट्स को म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के तहत अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लिए हैं, तो उस केस में भी आर्बिट्रल अवार्ड में रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड बाय आर्बिट्रेटर्स. ठीक है, चौथा क्या कहता है? It shall contain its date and place of arbitrators where they solved the disputes of the parties as determined in accordance with section 20. An award shall be deemed to have been made at that place. So section 40, sorry, Section 20 of Arbitration and Conciliation Act 1996 के provisions को ध्यान में रखते हुए arbitral award में date mention होगा कि किस दिन arbitral award grant किया गया है, किस place पर arbitration हुआ है. ठीक है, तो date, time and place of arbitration must be mentioned
subject to the conditions of subject to the conditions of section 20, right? ये भी हो गया. अब क्या कहता है, after arbitral award is made, signed copy shall be delivered to each party. तो arbitral award grant करने के बाद in writing signed copy दोनों parties को दिया जाएगा. Sixth point, arbitral tribunal may at any time be made, but during arbitral proceedings. तो arbitral tribunal किसी भी समय arbitral award दे सकता है, लेकिन arbitral proceedings के दौरान ही देगा, और वो चाहे तो interim award भी grant कर सकता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद interim award के जगह final award भी grant कर सकता है. ठीक है. और लास्ट कहता है, द कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इज टू बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इफ नॉट अग्रीड बिटवीन पार्टीज विथ प्रायर इफेक्ट. अगर पार्टीज ने पहले अपने बीच ये अग्रीमेंट नहीं किया था कि कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होगा, या पेमेंट अमाउंट टू द आर्बिट्रेशन को फिक्स नहीं किया था, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे फीस ऑफ आर्बिट्रेशन या पेमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, और ये इन दो डेट्स पर डिसाइड हो सकता है. पहला डेट जिस डेट पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, यानी जिस डेट पर उन्होंने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर दिया है, या उस डेट पर जिस दिन फाइनल अवार्ड ग्रांट किया गया या इंटरिम अवार्ड ग्रांट किया गया. तो इन दो डेट्स पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने पेमेंट को डिसाइड कर सकते हैं अगर पार्टीज के बीच पहले से अग्रीमेंट नहीं था रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. पहला डेट द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइज, और दूसरा डेट ऑन विच अवार्ड इज मेड, राइट. तो ये है आर्बिट्रल अवार्ड एंड फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एज पर सेक्शन 31 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. तो अगर हम कुछ पॉइंट्स में अपने अब तक के डिस्कशन के बेसिस पर आर्बिट्रल अवार्ड को डिफाइन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड को क्लियरली आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट केवल ये कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड, और सेक्शन 31 फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करता है, और इसके तहत जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो राइटिंग में होगा. दूसरा, शुड बी साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स, शुड इंक्लूड डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, शुड कंटेन रीजंस बट रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन दीज टू कंडीशंस इफ पार्टीज अग्रीड टुगेदर नॉट टू गिव रीजंस, और दूसरा दे सेटल डिस्प्यूट बाय देमसेल्व्स. आफ्टर अवार्ड इज मेड साइंड कॉपी शैल बी गिवन टू बोथ द पार्टीज, और लास्ट कहता है कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज टू बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इफ नॉट ऑलरेडी डिसाइडेड बाय पार्टीज. ठीक. अब एक केस है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एकॉम एंड अदर्स.
आपके बेरेक में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एकॉम एंड अदर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस एकॉम एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस में इन केस अवार्ड पास्ड बाय मल्टी मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, माइनॉरिटी आर्बिट्रेटर्स हैड रिफ्यूज्ड टू साइन अवार्ड, इट वॉज डिसाइडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट दैट रिफ्यूजल विल नॉट अफेक्ट इट्स वैलिडिटी, इट इज इनफ इफ अवार्ड इज साइंड बाय मेजॉरिटी मेंबर्स। तो ये जो केस था वो बेसिकली सिग्नेचर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को लेकर के था ऑन आर्बिट्रल अवार्ड। और इस केस में कोर्ट ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड पर कुछ आर्बिट्रेटर्स के सिग्नेचर छूट गए हैं या कुछ आर्बिट्रेटर्स ने सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स ने उस आर्बिट्रल अवार्ड पर सिग्नेचर कर रखा है तो ये अपने आप में आर्बिट्रल अवार्ड के वैलिडिटी को शो करता है। कुछ आर्बिट्रेटर्स का सिग्नेचर न होना आर्बिट्रल अवार्ड को इनवैलिडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आर्बिट्रल अवार्ड एंड फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ इस ठंडे में खुले आसमान के नीचे आपको समझाने की कोशिश करी। अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।